बड़ी जानकारी मुरैना से मिली है, जहां पर मुरैना में अवैध पटाखों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखी गई है। जौरा में एसडीएम ने भारी मात्रा में पटाखे जब्त किए हैं। संदिग्ध पटाखा व्यापारियों के घरों में सर्चिंग की गई है और आपराधिक मामले दर्ज वाला पटाखा व्यापारियों पर कार्रवाई की गई है। तो देखिए, बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां अब दिवाली आ रही है तो इस बीच इस तरीके के अवैध पटाखों की बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है, उसी को देखते हुए बड़ी कार्रवाई देखी गई है। जौरा में एसडीएम ने भारी मात्रा में पटाखे जब्त किए हैं। संदिग्ध पटाखा व्यापारियों के घरों में सर्चिंग की गई है और आपराधिक मामले दर्ज वाले पटाखा व्यापारियों पर यह सख्त कार्रवाई देखी गई है। जो इस्लामपुरा एरिया है, आज उसके लगभग 10 लोगों को चिन्हित किया था जिनका पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड था एक्सप्लोजिव के संबंध में। तो उनके सभी घर में जाकर के तलाशी ली गई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये उसको अभी भी स्टोर करके रखे हुए पटाखे, क्योंकि आप लोगों को विदित है कि जो लाइसेंस की शर्तें हैं उसके अनुसार कोई व्यक्ति इनको घरों में नहीं रख सकता, उसको एक सेफ जगह पर रखना होता है अगर आपके पास विधिवत लाइसेंस है, और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप किसी भी स्थिति में उसको रख नहीं सकते। अब इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज उपाध्याय मुरैना से जुड़े हैं। मनोज, अवैध पटाखों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखी गई है, ताजा अपडेट्स क्या है? जी अंजलि, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, कुछ दिन पहले ही एक बड़ा धमाका हुआ था जब बारूद फैक्ट्री में, जिससे काफी नुकसान हुआ था, 3 से 4 मकान भी रहे थे, 2 लोग माँ बेटी की मौत भी हुई थी, जिसको लेकर अब प्रशासन हरकत में आया है और पूरे जिले में सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिन जो पटाखा व्यापारी थे उन पर पूर्व में अवैध पटाखों का स्टोर करने के मामले दर्ज थे, ऐसे व्यापारियों के घरों में पुलिस फोर्स के साथ, महिला पुलिस फोर्स भी साथ में था, घरों की तलाशी ली गई और जौरा में भारी मात्रा में नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष के घर में भारी मात्रा में पटाखे भी मिले। एसडीएम ने जब्ती की कार्रवाई कर FIR दर्ज किए। वहीं मुरैना में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद सिंह ठाकुर ने मोर्चा संभाला और इस्लामपुरा सहित कई नगर। ठीक है, तो बड़ी मात्रा में पटाखे भी जब्त कर लिए गए हैं अवैध पटाखों के खिलाफ इस बड़ी कार्रवाई के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया।